गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत देश को आज़ाद कराने में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया उनको भुलाया नहीं जा सकता। कुछ महान सपूतों ने तो अपना घर परिवार छोड़ दिया, सुख दुख को भूल गए और देश की आज़ादी पाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। देश को आज़ादी दिलाने में इस त्याग और बलिदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चलो चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। आज़ादी को 72 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी देश जनरल डायर द्वारा जलियांवाले बाग में खेली गई खून की होली और चलवाई गई गोलियों के घावों को नहीं भर पाया है। सांसों का हर कमल है वतन के लिए, सांसों का हर कमल है वतन के लिए, जिंदगी की हवा है वतन के लिए। कह गई फिजाओं में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। ये आज़ादी हमें यूं ही प्राप्त नहीं हुई, हमने अपने मौलिक सपने देश की खातिर बेचे हैं, लहू सींच कर चमन खिलाया, प्राण हलक से खींचे हैं। हमने सत्ताधीशों के पैरों से धरती छीनी है, कितने भागे देश छोड़ के, कितनों ने लाशें बीनी हैं। आज भी सरहदों की रक्षा करते हुए हमारे अनेकों सैनिक शहीद होते हैं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। हमारा भारतवर्ष शांति पसंद देश है और तिरंगे का सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग समृद्धि और केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है, नीले रंग का चक्र प्रगतिशील होने का प्रतीक है। दे दो सलामी इस तिरंगे को जिसमें तुम्हारी शान है, सर ऊंचा रखना हमेशा इसका जब तक बदन में जान है। हमारे देश में विभिन्न वेशभूषा, भाषा, रीति रिवाज, त्यौहार, खान पान और यहाँ तक कि संस्कृतियाँ भी अलग अलग हैं। हमारे देश में अमीर और गरीब व्यक्तियों में अनेकों असमानताएँ होती हैं। कई बार मत अलग अलग होने के कारण आपसी संघर्ष भी हो जाते हैं, लेकिन बात जब देश हित की होती है तो सब आपसी मतभेद भूलकर, आपसी झगड़े भूलकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के नीचे एक सूत्र में बंध जाते हैं। दुनिया वाले हमारी अनेकता में एकता को नहीं समझ पाते और भारतवासी कहते हैं हम लोगों को समझ सको तो। हम हिंदुस्तानियों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जय हिंद, जय भारत।